प्रदेश में गहराते जल संकट के निवारण के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत जल संरक्षण योजना के तहत जलाशय निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और खेतों में वर्षा जल संरक्षण के लिए जलाशय भी बनाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में संरक्षित वर्षा जल को उपयोग में लाया जा सके। वहीं कृषि में भी संरक्षित वर्षा जल किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। हम सब लोग मिलकर जल का संरक्षण करें। सबसे पहले तो हम वर्षा जल को संरक्षित करने का प्रयास करें, जहाँ तक संभव है हो उसको हम हमारे जो वाटर सिस्टम्स को इस प्रकार का बनाएं, छतों के साथ जोड़ते हुए कि हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं तो स्टोर का प्रयास करें। और साथ ही साथ हम अंडरग्राउंड भी इस प्रकार के हमारे सिस्टम्स को डेवलप करें कि वाटर में अंडरग्राउंड जाते हुए और अंडरग्राउंड वाटर के जो लेवल्स है उसमें भी वृद्धि हो। राज्य सरकार ने बिल्डिंग्स के लिए कंपलसरी किया हुआ है कि उनको जल संरक्षण के संबंध में वाटर कंजर्वेशन के लिए हमारे सिस्टम्स का बनाया जाना जरूरी है। उनकी हम लोग पालना कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आम जन में जागरूकता फैला के एक तो पानी का उतना ही उपयोग करें जितना कि आवश्यक हो, और उसके अतिरिक्त जो उपयोग हम पानी घर में कर रहे हैं उसका भी मल्टीपल यूज़ लें। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया था 3 साल पहले। अभी यहाँ से 4-5 साल पहले यहाँ पे फसलें एकदम होना बंद हो गई थी क्योंकि पानी पूरा ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हमने ये कंजर्वेशन करके रेन वाटर का और ये टैंक बनाया। उसके बाद हम साल की 3-3 फसलें ले रहे हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ वर्षा ऋतु की फसलें होती थी, जो भी बारिश की इरेगुलेटरी की वजह से कभी बंद हो जाती थी, मतलब ख़राब हो जाती थी। तो अब इसको बनाने के बाद बहुत अच्छे से हम फसलें ले पा रहे हैं। और मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि वो भी इस ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करें और ये टैंक बनाएं और सारा वाटर कंजर्व करें।